इसके साथ आप पंचायत में आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जितने साथी बोलने वाले थे उन सब साथियों ने बहुत खुल करके आपके सामने बताया कि आज पिछले 72 दिनों से लगातार दिल्ली के चारों तरफ जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लगती सीमाएं हैं, जिन्हें आज केंद्र की सरकार ने बॉर्डर का नाम दे रखा है, लाखों की संख्या में किसान इकट्ठा होकर के आज 5 वर्ष की आयु से लेकर के 85 वर्ष तक के बुजुर्ग कैसे कृषि के 3 ये जो काले कानून बनाए गए, ये कानून वापिस हो, इसके लिए लगातार आंदोलन चला रहे। जहां आंदोलन चला रहे हैं वही देश के प्रधानमंत्री से बारी बारी शांत प्रिय ढंग से बैठ करके प्रधानमंत्री से अपने किए हुए वायदों को याद दिलवाने का काम कर रहे हैं। हैरानी की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने से पहले पूरे भारतवर्ष का जब भ्रमण कर रहा था, जब लोकसभा का पहला चुनाव लड़ रहा था, हर मंच से एक ही बात कहते थे कि आज देश का किसान कमजोर होता जा रहा है, देश के किसान की अनदेखी हो रही है। कहते थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस देश में सत्ता में आई तो मैं पहली कदम से देश के किसान को खुशहाल करने का काम करूंगा। वायदा क्या था हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में मेरा पहला जो बड़ा फैसला होगा वो किसान का कर्जा माफ करने का होगा। वायदा करते थे स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, किसान के खेत की फसल का जो लागत मूल्य है उससे 50% ज्यादा देकर के किसान को मजबूत करने का काम करूंगा। लोगों ने विश्वास किया, भरोसा किया, लोगों ने वोट दिया, प्रदेश देश में सत्ता सौंप दी। जब सत्ता में आने के बाद देश के प्रधानमंत्री को अपनी बात निभानी चाहिए थी, अपनी बात निभाने की बजाय किसान कैसे परेशान हो, इसके लिए योजनाएं बनानी शुरू कर दी। साथियों, जब कोरोना की महामारी आई थी, हर व्यक्ति चिंता में था कि पता नहीं इस बीमारी से कितना बड़ा नुकसान देश का, दुनिया का होगा। हालात भी इस किस्म के थे, जब दुनिया में ये बीमारी बढ़ रही थी, हिंदुस्तान में चंद लोग इस बीमारी की चपेट में थे, अमेरिका में हजारों लोग रोज इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा रहे थे, इंग्लैंड में, इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में लाइन लगी हुई थी मरने वालों की। हमारे देश में उस वक्त में केवल 500-700 ऐसे मरीज थे जो कहीं कोरोना की चपेट में थे। हम तो ये सोच रहे थे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री देश में लॉकडाउन लगा करके इस देश को बचाने का काम करेगा,
वही इस देश के गरीब जो लोग हैं जो मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं उनके लिए कोई अच्छी घोषणा करने का काम करेगा। देश के प्रधानमंत्री ने वायदा किया था कि मेरे सत्ता में आने के बाद पढ़े लिखे नौजवान 2 करोड़ बच्चों को हर साल रोजगार नौकरी दूंगा, लेकिन इस कोरोना की आड़ में करोड़ों की संख्या में लोग जो रोजगार से जुड़े हुए थे इस देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें बेरोजगार करने का काम किया। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति इंग्लैंड का प्रधानमंत्री अपने देश के नागरिकों को कैसे वो लोग इस महामारी से लड़ सके, कैसे वो लोग आने वाले समय में देश को मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ सके, जहां वो उनको नगद पैसे दे करके उनका हौसला बढ़ा रहे थे, हमारा देश का प्रधानमंत्री देश कैसे गुलाम हो, इस देश को कैसे चंद लोगों के हाथों में गिरवी रखा जाए, इसके लिए साथियों योजनाएं बना रहा था। मेरे से पहले जैसे जयवीर जी गोदारा ने कहा इस देश में सब कुछ बंद था, यहां पर हालांकि हालत इस किस्म की थी देश की कि जो गांव में बड़े बुजुर्ग इकट्ठे बैठ करके हुक्का पिया करते थे, जो आपस में ताश खेल करके टाइम पास करते थे, इस कोरोना के वक्त में हुक्के का तमाखू भी मिलना बंद हो गया था, बीड़ी की दुकान बंद थी, लोग परेशान थे, अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री रोजाना देश के प्रधानमंत्री से गुहार लगाया करते थे, कहते थे कि हमारे प्रदेश की हालत इस किस्म की होगी कि हम अपने कर्मचारी को पैसा नहीं दे सकते, कर्मचारियों की तनख्वाह काटी जा रही थी, अनेक लोग जो इस देश में अलग अलग फैक्ट्रियों में अलग अलग इंस्टीट्यूट में जो काम करने वाले थे उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था, वहां केवल और केवल इस देश को बचाने में अगर कोई सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा था। हम अखबार में पढ़ते थे, टीवी में देखते थे, सोशल मीडिया पे खबरें आती थी कि आज देश की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है, कारखाने बंद हैं, अंबानी और अडानी की हालात भी इस किस्म के हो गए थे कि पता नहीं आने वाले समय में तुम्हें और कौन कौन सी दिक्कत और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। साथियों जब देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी तो इस देश को आर्थिक रूप से अगर मजबूत, कोरोना की महामारी में किसी ने सबसे ज्यादा देश को मजबूत किया तो उसका नाम केवल किसान था। किसान ने कोरोना की परवाह किए बिना दिन रात खेत में जाकर के काम करके ना केवल देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया बल्कि इस कोरोना की महामारी से उस लड़ाई को जीतने का काम भी किसान ने किया। हमारे देश में जब आर्थिक रूप से देश को मजबूत किसान कर रहा था, देश का प्रधानमंत्री कैसे देश का किसान कमजोर हो उसके लिए 3 अध्यादेश लेकर के आया। साथियों मुझे भी विधानसभा में 20 साल हो गए, विधानसभा के सदस्य के रूप में मैंने भी बहुत सारी सरकारें देखी, लेकिन किसी भी सरकार ने आज तक जब भी कभी कोई इमरजेंसी भी आई अध्यादेश लाने की बजाय सेशन बुला करके
पहले बिल के रूप में विधानसभा में पेश करवा के उस पर चर्चा करा करके लोगों की मोर लगा करके फिर राष्ट्रपति के पास भेजने का काम करते थे। लेकिन यह पहली दफा है कि कोई अधिवेशन नहीं बुलाया गया, किसी राजनीतिक पार्टी के साथ कोई चर्चा नहीं की गई, किसी किसान संगठन को देश के प्रधानमंत्री ने बुला करके पूछा नहीं। अपने तौर पे बड़े बड़े पूंजीपति जो है, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनको कॉर्पोरेट घराने कहा जाता है, उनके जो सीईओ थे उनको बुलाया, उनको बुला करके उनसे बातचीत करके ड्राफ्ट तैयार कर लिया, एक बिल तैयार करवा लिया, बिना कैबिनेट की मीटिंग करे राष्ट्रपति के पास उन दस्तावेजों को भेज करके पहले राष्ट्रपति से मोहर लगवाई, पहले अध्यादेश जारी करवाई। जब अध्यादेश जारी हो जाता है, जब राष्ट्रपति के दस्तखत हो जाते हैं, तो फिर साथियों उस कानून को लोकसभा में पेश करके उस बिल को, उस अध्यादेश को जाकर के सरकार की मजबूरी हो जाती है उन बिलों को पास करवाने की। इसीलिए जब लोकसभा से बहुमत के मजबूते पे इस बिल को पास कराया, राज्यसभा में डर था कि यह बिल कहीं गिर ना जाए, आने वाले समय में तेरी सरकार के सामने कोई संकट ना खड़ा हो जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में प्रजातंत्र की धज्जियों को उड़ा करके उस बिल को बिना बहुमत के भी पास करवाने का काम किया। आज उसी का नतीजा है कि पूरे देश का किसान देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार लंबे समय से आंदोलन कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। साथियों, ये तीनों बिल अगर इसी तरह से हमारे देश में लागू रहे, तो आने वाले समय में किसान को अपनी जमीन बेचने पे मजबूर होना पड़ेगा। हमारे यहां पे बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो बारी बारी किसानों के बीच में जा रहे थे, जो किसानों के धरने में शामिल हो रहे थे, कह रहे थे कि अगर किसान की सरकार ने अनदेखी करी, अगर किसान की बात को सरकार ने सुना नहीं, हम लोकसभा और विधानसभा से इस्तीफा देकर के किसान के साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़ौदा का जब उपचुनाव करना था, तो वहां लोगों को बरगलाने के लिए यहां तक भी कहा कि अगर एमएसपी खत्म होगी तो पहला मुख्यमंत्री मैं होऊंगा जो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने का काम करूंगा। जब वो इस्तीफा देने की बात कर रहा था, वहीं उसके सहयोगी जो कहीं अपने आप को चौधरी देवीलाल के पंचिलों पे चलने वाले बता रहे थे, जो कह रहे थे कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को लागू करेंगे, वो भी अखबार के माध्यम से कहते थे एमएसपी खत्म नहीं होने देंगे, अगर एमएसपी खत्म होगी तो हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे। साथियों, ये जो बिल है, इन बिलों में साफ लिखा हुआ है कि अगर ये बिल इसी तरह से लागू रहे, तो आने वाले समय में ये आपकी जो मंडियां बनी हुई है, ये सारी मंडियां समाप्त हो जाएंगी, प्राइवेट लोगों के हाथ में मंडियां आ जाएंगी। यहां पे बहुत बड़े बड़े घराने अंबानी, अडानी, केएफसी जैसे, मैकडोनल्ड जैसे अपने ऑफिस खोल लेंगे और किसान के साथ जाकर के उसका फसल का एग्रीमेंट करेंगे, और फसल का एग्रीमेंट करने के बाद जब उस किसान की फसल को ओणे पौने दाम में खरीदेंगे, वही उस एग्रीमेंट के तहत उस किसान से उस जमीन पे अंगूठे लगवाएंगे, कैसे उसकी जमीन ली जाए,
कैसे उस किसान की जमीन को बैंक के गिरवी रखा जाए, इसके लिए साथियों आपको लालच दिया जाएगा। लालच के बाद आपकी जमीन कैसे ली जाए, इसके लिए पहली दफा आपको आपकी फसल का मूल्य ज्यादा देकर के कहीं आप पे अपना भरोसा रखने का काम करेंगे। लेकिन उसके बाद जब अगली फसल होगी, आपको चेक देने की बजाय आपकी फसल उठा करके वो कंपनी ना केवल अपना दफ्तर बंद कर देगी, बल्कि किसान की जमीन को गिरवी रख करके किसान की जमीन को बेचने पर मजबूर कर देगी। इसलिए साथियों आज आपसे निवेदन करने आया हूं, आपसे कहने आया हूं, आज का ये मंच कोई राजनीतिक मंच नहीं है। आज केवल और केवल कैसे किसानी को बचाया जाए, इसके लिए जो भी साथी आज इस किसान की लड़ाई में हजारों की संख्या में यहां इकट्ठा हुआ है, मैं सबसे पहले उन सबका शुक्रिया अदा भी करता हूं और उसके साथ साथ आपसे एक बात कहना चाहता हूं। किसान मोर्चा की तरफ से 6 तारीख को देश बंद की बात कही गई है और 6 तारीख कल का दिन है। हमारे यहां राजस्थान की सीमाएं लगती है, मैं उम्मीद करूंगा कि जितनी भी राजस्थान की सीमाएं हमारे साथ रहती है, कल के दिन किसी एक भी रास्ते से कोई व्यक्ति हमारे हरियाणा में प्रवेश ना कर सके। इसके लिए अपने साथ लगते हुए रस्तों पे 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक पूर्ण रूप से बंद रखने का काम करना। जब बंद रखने का काम करना, वही उसके साथ साथ किसान मोर्चा का अगला क्या आदेश आए, उसके लिए भी जिस तरह आज इकट्ठा हुए उसी तरह दोबारा फिर लामबंद होकर के अगले आदेश की भी पालना करना। मेरे से पहले इस बात का जिक्र चल रहा था कि अभय सिंह ने इस्तीफा दे दिया, मंच राजनीतिक नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात खुल करके बताना चाहता हूं। जब हरियाणा प्रदेश की पिछली विधानसभा का सेशन था और उस सेशन के अंदर सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव लाया गया, जब किसान की अनदेखी हो रही थी, किसान के खिलाफ काले कानून बना दिए गए थे, उन काले कानूनों का विरोध विपक्ष के लोगों की जिम्मेदारी बनती थी, मैंने अपनी तरफ से काली कन्वेंशन मोशन दिया, मैंने अपनी तरफ से प्राइवेट बिल ला करके भी किसान के खिलाफ बनाए गए तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया, मैंने प्राइवेट बिल ला करके कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, इन प्राइवेट बिलों के ऊपर चर्चा करो और चर्चा करने के बाद इस पर वोटिंग करो। लेकिन मेरा प्राइवेट बिल डिसअलाउड करने की बजाय ये कह करके ठंडे दस्ते में रख दिया कि इस पे आने वाले समय में विचार करेंगे, मेरा जो कालीन कन्वेंशन था उसको डिसअलाउड किया। वही कांग्रेस की तरफ से जिम्मेवारी बनती थी कि सरकार के खिलाफ काम रोको प्रस्ताव लेकर के आते, सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव करते। जब मैंने इस बात को लेकर के विरोध किया तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपनी तरफ से एक प्रस्ताव लेकर के आते हैं। मैंने मुख्यमंत्री से पूछा कि आप किसके प्रस्ताव लेकर के आ रहे हो, हम तो इस पे चर्चा चाहते हैं, आप कालीन अटेंशन पे कराओ, जो मेरे प्राइवेट बिल है उन पे चर्चा कराओ। उन पे चर्चा कराने की बजाय सरकार की तरफ से प्रस्ताव आ गया। साथियों पूरे विपक्ष की जिम्मेवारी बढ़ती थी कि उनके द्वारा लाया गया जो प्रस्ताव था उसके ऊपर हम विधानसभा में चर्चा करते, हम सरकार से पूछते, जो
खेतीबाड़ी से किसानों के धरनों पे गए थे, हम उन लोगों को इस बात के लिए मजबूर करते कि आप सरकार के खिलाफ अपना वोट डालने का काम करो, बजाय उस पर चर्चा करने के जो विपक्ष था वो सदन से वॉकआउट करके चला गया। अगर विधानसभा में किसान की किसी ने आवाज उठाई, किसी ने लड़ाई लड़ी, 40 मिनट लगातार, आज भी वो वीडियो जो है बारी बारी से बहुत सारे YouTube के चैनल पे दिखाए जाते हैं, लगातार 40 मिनट तक आपके अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने 40 मिनट तक जहां सरकार को घेर के रखा, वहीं सरकार के अंदर बैठे लोग जब इस बात का मजाक उड़ा रहे थे, जब मैंने कहा था कि कृषि के कानून वापिस होने चाहिए, कुछ लोगों ने इस बात पे कहीं मजाक उड़ाने की कोशिश करी कि शायद अकेला है, इसको तुम कहीं दबा लोगे। लेकिन साथियों, लड़ाई किसान की थी, इसलिए मैंने विधानसभा से वॉकआउट करने के बजाय सरकार को घेर करके मजबूर करने का काम किया था। मैंने उसी दिन फैसला कर दिया था कि जिस सरकार के अंदर इस तरह के काले कानून बनाए जा रहे हो, जिस प्रदेश की असेंबली के अंदर विपक्ष अपनी भूमिका अच्छे ढंग से नहीं निभा रही हो, मैं उस असेंबली का मेंबर ना रह करके इस किसानों की लड़ाई में किसान के साथ खड़ा होकर के इस विपक्ष को भी और सत्ता पक्ष को भी बाहर से लड़ाई लड़ करके मजबूर करने का काम करूंगा। मैंने जब अपने साथियों के सामने इस बात की चर्चा करी तो सब साथियों ने मुझे यही सलाह दी कि आपको विधानसभा से रिजाइन दे लेना चाहिए। मैंने उनसे कहा मेरे लिए विधायक का पद कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मैं विधानसभा से इस्तीफा देने से पहले अपने इलाके के लोगों के पास जाऊंगा। मैं एक एक गांव में गया, एक एक गांव में जाकर के मैंने गांव के साथियों से पूछा जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया था, जिन्होंने मुझे विधानसभा में चुन करके भेजा था। मैंने उनसे पूछा था कि बताओ क्या करना चाहिए, मुझे एक भी कोई ऐसा साथी नहीं मिला जिसने कहा हो कि आप इस पे विचार करो। सबकी एक ही आवाज थी, इस किसान की लड़ाई में जो फैसला आप लोगे हम आपके साथ होंगे। मैं आज आपका इस बात के लिए आभारी हूं, ना तो आपको किसी ने संदेश दिया, ना आज मेरा कोई कार्यक्रम था। मुझे 4 दिन पहले नौजवान बच्चों ने मिलकर के कहा था कि हम एक भाव पंचायत करना चाह रहे हैं, अब आपको उसमें आमंत्रित करते हैं। मैंने कहा किसान के लिए चाहे मैं किसी भी अपने जरूरी काम में कितना भी व्यस्त हूं, जहां किसान की बात आएगी मैं अपने काम को छोड़ करके किसानों के बीच में खड़ा होकर के उनकी ताकत बनने का काम करूंगा। साथियों, मैंने अपने हल्के के एक एक आदमी से पूछ करके ये फैसला लिया, वही आज उन लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया हूं जो लोग ये कहते थे कि अगर किसान हमें कहेगा तो हम विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे। आज वो लोग कहीं ढूंढने पे भी नजर नहीं आ रहे। आज उनकी ऐसी हालत है कि वो अपने घर में भी जब जाते हैं तो सिक्योरिटी साथ लेकर के जाते हैं कि घर में कोई काम करने वाला ये ना पूछ ले कि तू लोगों से क्या कह करके आया था। आज साथियों, जिस किस्म से इस लड़ाई को लड़ने का काम किया जा रहा है, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप भी इस लड़ाई के अंदर जहां समय निकालेंगे वहीं इस लड़ाई को आर्थिक रूप से भी मजबूत करने के लिए अपनी जेब से पैसा दे करके इस मोदी की सरकार को, इसके अहंकार को खत्म करने का काम करोगे।
को पहली बार पटकने ली थी। आपने तो चुनाव के अंदर भी नरेंद्र मोदी को सबक सिखाने का काम किया था। आप बहादुर लोग हो, आप इतनी बड़ी संख्या में इस आंदोलन को मजबूत कर दोगे कि एक बार फिर मोदी का अंधकार टूटेगा, किसान देश का जीतेगा और मोदी को 2% देश के किसान से माफी मांगनी होगी। इसके अंदर 45 के लोगों की बड़ी भूमिका होगी, मैं इस बात की उम्मीद रखता हूं। मेरा मन था कि आपके साथ और बहुत सारी बातें करूं, लेकिन गांव में एक और कार्यक्रम है। गांव के अंदर भी आज किसान जन जागरण अभियान शुरू हो रहा है, 3 बजे मुझे वहां पहुंचना है, इसलिए आपसे माफी चाहूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा कि इस आंदोलन में जहां आप इस संख्या में यहां इकट्ठे हुए, जरूरत पड़ी अगर दिल्ली जाना पड़ा तो भी एक एक साथी वहां पहुंचने का काम करेगा।